भाई कुछ फैंस मौजूद है जो मैच देख कर आए। सर कैसा लगा मैच? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आज तक अभी ऐसी मैच मैंने लाइव में पूरी कभी भी देखी नहीं है। कभी नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। एक तरफा हो गया, थोड़ी और टक्कर मिलनी चाहिए थी। हाँ सही बात है, थोड़ी बहुत टक्कर मिलनी चाहिए थी। वन साइड में मजा नहीं थी तो और मजा आया था थोड़े देखने में। ये तो ऐसा लगा छोटे बच्चे के साथ खेल रहे, ऐसा लगा बाप ने बेटे को हरा दिया ऐसा लगा। ये आज विराट का बल्ला नहीं चला, क्या हो गया? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने रोहित का बल्ला चला उसके वो थे। रोहित शर्मा तो पहले से ही अपने इंडिया जीती वो थे अपने को बल्ला किसी का। रोहित शर्मा तो पहले से ही पाकिस्तान के सामने अड़िकम रहता ही है, लेकिन कुछ दिन पहले पाकिस्तान श्रीलंका के सामने जीती थी तो मेरे को भी अंदर से थोड़ा बहुत गर्व महसूस हुआ। यार साला पाकिस्तान जीत गया, फिर अंदर से थोड़ा विचार आया, अरे कोई बात नहीं यार बेटा जीता है ना। तो अच्छा ही लगेगा आपको तो, क्या लगता है मैच के बारे में कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा ना, मैच तो मजा आया। इंडिया जीता है तो क्या, फिर भारत वर्ल्ड कप जीत रहा है, जीत ही रहा है ना। अपने घर पे है तो तब जीतते ही रहा है। और भाई आपको आप यहाँ पे फाइनल, फाइनल यहाँ पे ही है, अपने अपने फाइनल यहाँ पे जीतेंगे। इंडिया सामने कौन सी टीम रहेगी फाइनल? फाइनल यहाँ पे साउथ अफ्रीका रहेगी, यहाँ पे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 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 न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड तो हम पे भारी पड़ती है भाई साहब। ये गुजरात इंडिया, इंडिया न्यूजीलैंड को हरा के साउथ अफ्रीका के सामने फाइनल खेलेगी। हमारे बीच हमारे हिसाब से है, हम तो हमारे लिए बड़े, हम नहीं हारने वाले। और तगड़ा नहीं पड़ पाए, तगड़ा मुकाबला हो तभी तो मजा आए ना, ऐसे थोड़ी मजा आएगा। ये तो हमारे पैसे भी वसूल नहीं हुए ना आज तो, पूरी मैच ही कहाँ देखी हमने। अच्छा लगता है पाकिस्तान जिस तरह से आज खेली है, ये टीम इतनी अच्छी है कि पाकिस्तान वालों को एक छक्का मारने नहीं दिया। एक चौका नहीं रोक पाए ये लोग, एक चौका नहीं रोक पाए। अच्छा मैम आज पाकिस्तान जैसा खेली लगता है सेमीफाइनल जाएगी आप? अभी वर्ल्ड कप में आगे नहीं जा पाएंगे, हम लोग केवल हम लोग देखने आए, हम लोग यही रहते हैं, पर हम लोगों को देखना नहीं मिल पाए, हम लोगों को टिकट नहीं मिली, हमको ये अफसोस हुआ हमको टिकट नहीं मिली। हम लोग केवल देखने आए पब्लिक को। अच्छा। ये मजा लेने आए हम पब्लिक का। मैम के अंदर एनर्जी तो इंडिया जीत गई। चेन्नई में जो सेमीफाइनल होने वाली है वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होने वाली है। न्यूजीलैंड हार के हारने वाली है, इंडिया जीत के फाइनल यहाँ पे खेलने वाली है। यहाँ पे और पाकिस्तान टॉप चार में जा रही है? नहीं नहीं जाएगी पाकिस्तान, कोई चांस ही नहीं। जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड आए या साउथ आए, इंडिया के अंदर वो भी गुजरात और उसके अहमदाबाद के अंदर थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, सबके पसीने छूट जाते हैं। भाई साहब क्या लगता है मैच कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। क्या लगता है भारत वर्ल्ड कप जीत रहा है इस बार? हाँ ऑफकोर्स जीतेगा 100%। जी 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 जी। कौन रहेगा सर सामने? हाँ जी फाइनल में कौन रहेगा टीम इंडिया के साथ? फाइनल में आई थिंक इंडिया और न्यूजीलैंड। इंडिया न्यूजीलैंड? अच्छा तो लगता है फिर इंडिया जीत रही है? जीत रही है, जीतेगी 100%। जी अच्छा सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा भारत की तरफ से इस वर्ल्ड कप? मेरे हिसाब से तो सुमन गिल को बनाना चाहिए, लेकिन दो बार वो नहीं खेल पाए डेंगू के कारण, लेकिन अब उनको मौका मिला है तो आगे खेलेंगे। और सबसे ज्यादा शतक भी निकालेगा। 110% यहाँ पर फाइनल खेलने वाली है। यहाँ पर आप अभी के टाइम देख लो कितना बजा है, आप यहाँ पर मेरा इंटरव्यू लेना, यही समय होगा, यही है। और यहाँ पर अपने कप का एंजॉय करेंगे फुल, यही इतना यही पे आने वाले है सब। न्यूजीलैंड हो साउथ अफ्रीका हो, इसी समय होगा, इसी समय होगा। भाई साहब, भाई साहब को यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस है? जी अरे सुपर गेल ऑलरेडी थोड़ा वो तो उनको डेंगू था उसके लिए वो कर गए। अभी अपने रोहित शर्मा है वो ऑलरेडी 4 सेंचुरी मारने वाले है, अभी ऑलरेडी 1 सेंचुरी हो चुका है, अभी 4 सेंचुरी आएगी उसकी, फाइनल में मारेगा 200। यहाँ पे भाई साहब की प्रेडिक्शन हाँ रोहित शर्मा जी और नेक्स्ट इसमें बांग्लादेश, बिल्कुल मजा आ गया। वन साइडेड मैच था तो यहाँ पे लोगों को बहुत मजा आया, बहुत बातें की और टीम इंडिया के बारे में भी। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच फैक्ट्री इंडिया स्पोर्ट्स का। वीडियो देखने के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।